कहा जाता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन बिहार में खेल नहीं बल्कि खेला हो गया। 24 घंटे में सरकार बदल गई। 17 महीने बाद नीतीश कुमार फिर एनडीए में आ गए, सुबह इस्तीफा दिया, शाम को रिकॉर्ड 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। करीब एक दशक के दौरान ये चौथी बार है। बहरहाल सब हो गया। शपथ ग्रहण के दूसरे दिन यानी आज बिहार में एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक बुलाई गई। नीतीश जब अपने काफिले के साथ बैठक के लिए सचिवालय जा रहे थे, उस समय पत्रकारों के कैमरे में एक वीडियो कैद हुआ जो बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है। वो वीडियो देखिए, नीतीश का काफिला आ रहा है, बाहर पुलिस वाले मौजूद हैं जो लोगों को हटा रहे हैं। नीतीश का काफिला गुजरा, लेकिन इस दौरान एक हैरानी भरा वाकया हुआ। काफिले में से जब नीतीश की गाड़ी गुजरी तो किसी पुलिस वाले ने सैल्यूट नहीं किया। एक बार फिर देखिए वो वीडियो, काफिले में तीसरे नंबर पर हरी नंबर प्लेट वाली गाड़ी में सीएम नीतीश बैठे थे। उनके गुजरते वक्त वहां पुलिस वाले मौजूद थे, लेकिन किसी ने उन्हें सलामी नहीं दी। इस वीडियो का जिक्र इसलिए क्योंकि सीएम यानी सूबे का मुखिया जब गुजरता है तो ये प्रोटोकॉल होता है कि उसे सैल्यूट किया जाता है। ऐसा नहीं हुआ, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। इस वीडियो का जिक्र इसलिए भी क्योंकि नीतीश पर विरोधी लगातार पलटूराम होने का इल्जाम लगाते हैं। जब वो महागठबंधन के साथ होते हैं तो बीजेपी उन्हें इसी तमगे से नवाजती रही, फिर जब वो बीजेपी के साथ होते हैं तो आरजेडी कांग्रेस भी उन्हें पलटूराम, गिरगिट और ना जाने क्या क्या कहकर बरस रही है। नीतीश मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सियासी जानकारों के मुताबिक नीतीश के इस दाव ने उनके सियासी कद को काफी धक्का पहुंचाया है।